How to improve your drawing skills, method 2. मेथड 2 में हम ड्राइंग करना सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स अलग अलग शेप्स में. दैट इज आप ऊपर से नीचे डार्क टू लाइट. एक बार लेयर करने के बाद इफ यू फील इट वाज लाइट आप वापस से क्लियर कर सकते हो. फिर आप नीचे से ऊपर ड्राइंग करने की कोशिश करो. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए. अलग अलग आप राइट साइड से आप लेफ्ट साइड से डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जो भी आपको शेप्स याद आते हैं डार्क शेड लाइट शेड्स तो आप वो सारी प्रैक्टिस कर सकते हो. मैं यहाँ पे कर्व में भी कर रही हूँ राइट लेफ्ट साइड से एंड देन राइट साइड से. इस प्रैक्टिस भी कर सकते हो कर्व अ वेव लाइक स्ट्रक्चर. सेम आप ऐसे ही दूसरे साइड ऐसे अलग अलग डिजाइंस प्रैक्टिस कर सकते हो. फिर आप अलग अलग सर्कल बनाने के बहुत सारे शेप्स बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो. उसके अंदर शेड करने की कोशिश करो अलग अलग डिजाइन से. कभी स्ट्रेट लाइन डार्क टू लाइट या आप सर्कल 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 में शेड कर सकते हो. सो ये तो मेथड ना आपको अपनी ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. आपको जो भी समझ में आता है जो भी डिज़ाइन आपको बेटर लगता है आपको स्ट्रेट करना है स्लैंट करना है आपको क्रॉस हैचिंग करनी है जैसा भी करना है आपको आप कर सकते हो. यहाँ पे आपके एग्जाम्पल एक मैंने सिंपल से ट्री बनाया है एंड जिसमें मैंने सिंपल से कुछ लाइंस ड्रॉ किए कि थोड़ा सा उसका लुक बेटर लगे. एंड देन अभी मैं शेड कर रही हूँ तो एक साइड डार्क रहेगा एंड एक साइड मैं लाइट शेड कर रही हूँ. ठीक है जस्ट टू शो यू कि आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो. ये प्रैक्टिस जब कर रहे हो आपको यूज़ कहाँ पे और कैसे करना है. अफेक्ट देते एक ब्यूटीफुल सा लुक देता आपके ड्राइंग को आपकी ड्राइंग स्किल्स बेटर बनाता है. जैसे देख सकते हो कि मैंने उसको थोड़ा सा वापस से डार्क कर लिया जो लाइट हो गए थे एंड एक साइड को मैंने डार्क रखा है दूसरी साइड लाइट रखा है. सेम वे मैं एक सर्कल ड्राइंग कर रही हूँ उसको मैं शेड दिखाऊंगी कि एक साइड से लाइट आ रहा है दूसरे साइड उसका शेडो गिर रहा है. तो बेसिकली कैसा होता है नीचे साइड डार्क रहेगा क्योंकि उसका लाइट उतनी नहीं होती है ऊपर साइड लाइट होता है. तो आप जब प्रैक्टिस करते हो डार्क टू लाइट आपको स्पेशली ये सब ड्राइंग्स में बहुत हेल्प करती है जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हो. तो यहाँ पे मैं नीचे साइड डार्क और ऊपर साइड लाइट कर रही हूँ लाइट. ये सिंपली रफ फिगर आप लोगों को बताने के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो. आप जब प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपको अच्छे से बना के प्रैक्टिस करना है. तो मैंने फिर शेड बना लिया है तो ये मैंने लाइट रखा है फिलहाल के लिए. इट विल बी डार्क कर इससे ज़्यादा डार्क होता है नॉर्मली. आप डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल्स लाइक चारकोल पेंसिल हो गए या कलर पेंसिल से ट्राई कर सकते हो अलग अलग शेड्स. मैंने इसको पेपर स्टम्प से थोड़ा सा ब्लेंड भी कर लिया कि एलिगेंट अच्छा लुक था. या आप अगर सीनरीज ठीक है लैंडस्केप ड्राइंग मेरे को वाटर का कोई सीनरी तो मैं वाटर बना रही हूँ यही शेड डार्क टू लाइट यूज़ करके. तो मैंने पहले वाटर को डार्क टू लाइट शेड किया फिर उसके अंदर एक ट्री के शेडोज हो गए कुछ शेडोज गए. तो उसके अंदर मैंने इरेजर से थोड़ा थोड़ा बीच में रफ कर दिया ये लुक अच्छा दे. जो भी समझ में आता है डार्क टू लाइट शेड्स एंड ऑल आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी आपको हेल्प होगी. थैंक यू.